कांग्रेस भाजपा के घोषणा पत्र का एनालिसिस, मुफ्त की स्कीम्स पर दोनों का फोकस, पढ़िए किस घोषणा से कितने वोटर साधने की कोशिश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भाजपा ने अपने घोषणा पत्र जनता के सामने रख दिए हैं। दोनों के घोषणा पत्रों में फ्री बिज यानी मुफ्त की स्कीम्स पर खूब फोकस है। बीजेपी की घोषणा पत्र में राज्य पर बढ़ते हुए कर्ज के भार को कम करने के लिए टास्क फोर्स बनाने जैसा वादा किया गया है। इसके साथ ही राज्य की प्रगति के लिए नीति आयोग के तर्ज पर एक नई संस्था बनाने की भी बात कही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी मुफ्त की स्कीम्स तो खूब हैं, लेकिन राज्य की वित्तीय हालत को बिगड़ने से कैसे रोका जाएगा, इसको लेकर कोई प्लान नहीं बताया है। इसके अलावा कांग्रेस जहां सामाजिक सुरक्षा की अपनी योजनाओं की गारंटी पर फोकस किए हुए हैं, वहीं भाजपा ने कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच करवाने को प्राथमिकता दी है। जातिगत जनगणना कराने की बात घोषणा की वजह है। जातिगत जनगणना के माध्यम से कांग्रेस ओबीसी एससी एसटी और अल्पसंख्यकों के ज्यादा नजदीक जाना चाहती है। विश्वास दिला रही है कि वो उनका पिछड़ापन दूर करेगी, उन्हें उनकी आबादी के हिसाब से देश के संसाधनों, सरकारी नौकरियों, योजनाओं आदि में हिस्सेदारी देगी। महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इस मुद्दे पर भाजपा ने अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। घोषणा की वजह, इन सातों गारंटी के माध्यम से कांग्रेस सरकार की योजनाएं अब तक प्रदेश के करीब 7.5 करोड़ लोगों को छू चुकी हैं। महंगाई राहत शिविरों में जो कार्ड बने थे, ये उनकी संख्या है। ऐसे में कांग्रेस इन्हें जीत का मंत्र मान रही है। 4 लाख सरकारी नौकरियों सहित 10 लाख को नौकरियों का वादा। घोषणा की वजह, कांग्रेस सरकार इसके माध्यम से युवा वर्ग को साधना चाहती है। इस बार चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 1 करोड़ मतदाता वे हैं जो पहली या दूसरी बार वोट डालेंगे, मतलब जिनकी आयु 18 से 28 साल के बीच है। ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि 4 लाख सरकारी नौकरियों सहित 10 लाख अन्य नौकरियों का वादा पार्टी को चुनाव में मजबूती देगा। पेपर लीक और दूसरे घोटालों की जांच के लिए एसआईटी भाजपा ने पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाओं में लिप्त रहने, वृद्धजन पेंशन की राशि में घोटाला करने सहित केंद्र की जल जीवन मिशन योजना में घोटाला करने के आरोप लगाए हैं। अब पार्टी ने आरोपों से आगे बढ़कर अपने घोषणा पत्र में इन सब मामलों में एक एसआईटी विशेष जांच दल गठित करने की घोषणा की है। घोषणा की वजह, जनता के बीच पेपर लीक की घटनाओं को लेकर बेहद रोष व्याप्त है। ऐसे में भाजपा उस रोष को चुनाव में भुनाना चाहती है। ये वो आरोप हैं जिनके कारण कांग्रेस सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों, प्रदेशाध्यक्ष तक पर भाजपा ने आरोप लगाए, कई लोगों को जेल हुई। अब जांच कराकर भाजपा अपने आरोपों की सत्यता साबित करना चाहती है। पीएम किसान निधि को बढ़ाकर 12,000 रुपए वार्षिक करना, केंद्र की भाजपा सरकार की पीएम किसान निधि योजना के तहत किसानों को अब तक 6,000 रुपए वार्षिक दिए जाते हैं। राजस्थान के चुनाव में इस राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपए वार्षिक दोगुना करने की घोषणा की गई है। साथ ही राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में 19,422 किसानों की जो जमीनें कर्ज ना चुका पाने के कारण नीलाम हुई है, उन्हें मुआवजा देने की घोषणा भी की गई है। घोषणा की वजह, प्रदेश के लगभग 8 करोड़ लोगों में से 6 करोड़ लोग, करीब 75% सीधे रूप से कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में घोषणा के जरिए भाजपा किसान वोटर्स और उनके परिवारों को साधने की कोशिश में है। 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी, घोषणा की वजह, दोनों ही पार्टियां 1 करोड़ नए मतदाताओं को लुभाना चाहती है जो पहली या दूसरी बार वोट डालने वाले हैं। भाजपा ने 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में ये संख्या 4 लाख है। महिलाओं पर फोकस, आर्थिक सशक्तिकरण, कांग्रेस जहां गृहलक्ष्मी योजना के तहत प्रत्येक गृहिणी को 10,000 रुपए वार्षिक की आर्थिक सहायता देने की बात कर रही है, वहीं भाजपा ने प्रत्येक नवजात बिटिया के नाम पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड बनवाने पर जोर दिया है। सिलेंडर, कांग्रेस गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर 400 रुपए में देने की बात कह रही है, वहीं भाजपा ने गरीब महिलाओं को 450 रुपए से सिलेंडर देने की घोषणा की है। सुरक्षा, भाजपा ने महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों से निपटने के लिए प्रत्येक पुलिस थाना क्षेत्र में एंटी रोमियो स्क्वाड गठित करने की बात भी कही है। फोकस क्यों, महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 49% है, वे घर के मामलों से लेकर शिक्षा और रोजगार तक में मुखर भूमिका निभा रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।